के अगले एपिसोड में मैं अभय आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की ये वीडियो किसी भी रील मेकर्स पर नहीं होने वाली। आज की वीडियो में हम ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी ने उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी इंडियन रेलवे पर बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाई थी। जी हाँ, मैं द बर्निंग ट्रेन मूवी की ही बात कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो मूवी की ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है। हम इस वीडियो में मूवी के एप्रिसिएशन और गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं मूवी के इस सीन। इस सीन में जो मिनिएचर मॉडल आप देख रहे हैं ये वाकई में बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग में बनाया गया है, क्योंकि वीएफएक्स की कमी की वजह से यही मिनिएचर मॉडल मूवी में कई सीन में यूज हुआ है। जैसे एक क्लाइमैक्स वाला सीन जहां पर ट्रेन सीएसएमटी स्टेशन पर पहुंचती है, और ये वाकई में बहुत ही बढ़िया बनाया गया था। यहां तक तो सब ठीक जा रहा था, पर ये बार जरा इन बफर्स को ऑब्जर्व कीजिए। दुनिया के किसी भी कोचेस के बफर्स में इतना ज्यादा गैप नहीं होता कि उसमें से एक आदमी आसानी से पास हो जाए। और तो और इस सीन में दिखाते वक्त उन्होंने बफर्स प्लास्टिक के यूज किए हैं, मगर जब ये प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है उस वक्त आप देख सकते हैं ये थोड़े से हिलते हैं और ये रियलिस्टिक कम दिखते हैं थोड़े से। इसी सीन के कंटिन्यूएशन में आप ये भी देख सकते हो कि डैनी जी ब्रेक का पाइप अपने हाथों से निकाल देते हैं। अरे डैनी जी, कोई भी ब्रेक का पाइप हो, चाहे वो एयर प्रेशर का हो या वैक्यूम प्रेशर का, ये इतनी आसानी से नहीं निकलता। चलो, जो बात मैं बताना चाहता हूँ मैं उस बात पर आता हूँ। एक मिनट के लिए इस सीन को सच मान लो कि इन्होंने हाथों से अपना पाइप निकाल दिया, पर क्या आज के वक्त ऐसा मुमकिन है? आज के एक तो ये प्रेशर पाइप हाथ से निकलते नहीं, और अगर निकले तो भी ये प्रेशर पाइप निकलते ही सारे ट्रेन में ब्रेक ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये ब्रेक प्रेशर की वजह से डिसएंगेज होते हैं, और जब ये प्रेशर निकलता है ऑटोमेटिकली व्हील से एंगेज हो जाते हैं। पर अगर देखें तो ये मूवी 1980 में बनाई गई थी, और उस वक्त ट्रेन वैक्यूम प्रेशर का यूज करती थी ब्रेक्स के लिए, और उस वक्त अगर ऐसी चीज मुमकिन होती तो हाँ जी हाँ, ये सच है कि पाइप निकल जाते तो ब्रेक फेल होने के चांसेस ज्यादा होते। शायद इसी मूवी को देखकर 1981 में इंडियन रेलवे ने एयर प्रेशर का यूज किया होगा। यहाँ पर एक और चीज अजीब है। टंगो, या जरा फ्यूल लेवल चेक कर। ओके, टेक चार्ज। मूवी में ये गॉगल वाला आदमी लोको पायलट है और ये सफेद कपड़े वाला एएलपी है, पर फिर भी इस सीन में ये एएलपी लोको चला रहा है और लोको पायलट इज जस्ट लुकिंग फ्रॉम द विंडो। ऐसा नहीं चलता भाई। जब लोको पायलट के केबिन में ब्लास्ट होता है उस वक्त लोको पायलट सिगरेट पी रहा होता है, जबकि ये बात पूरी तरह से इल्लीगल है। और एक बात, एलपी ने एलपी को फ्यूल चेक करने के लिए बोला, वो भी ट्रेन निकलने के बाद। ये पहली मिस्टेक, क्योंकि फ्यूल चेक करना हो तो वो स्टेशन पर रुकने के बाद किया जाता है। और एक बात, फ्यूल चेक करने के लिए एलपी चलती लोको के बाहर क्यों चला गया? वो तो अंदर फ्यूल गेज देखकर भी बता सकता था। अभी सीधा चलते हैं इस मूवी के एंड सीन पर, जहाँ पे दो हीरो मिलकर कपलिंग ब्लास्ट करने वाले होते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो कपलिंग को ब्लास्ट करने से वो कपलिंग टूट नहीं जाएगा, क्योंकि कपलिंग पूरी तरह से मजबूत होता है और वो स्टील से बना होता है, तो कोई भी डायनामाइट के ब्लास्ट से वगैरह वो कपलिंग नहीं टूट सकता। और टूटा, इन केस अगर टूटा तो ये ट्रेन डीरेल होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इतने स्पीड में आप ट्रेन को अपोजिट फोर्स लगा रहे हो तो ट्रेन की डीरेलमेंट तो 100% फिक्स है। और ये एक सीन, भारी लोको कभी फ्लाई नहीं करता, लोको कितने भी स्पीड में रहता इट्स सपोज टू बी गो डाउन, बिकॉज लोकोमोटिव बहुत ही ज्यादा हेवी होता है और आगे ये उड़कर कुछ देर तक आगे जाकर फिर ब्लास्ट हो जाता है। गलतियां तो बहुत है इस मूवी में, बट स्टिल जब भी ये मूवी मैं देखता हूँ मुझे ये मूवी उतनी ही पसंद आती है।
अगर गलतियों को इग्नोर किया जाए तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कम होते हुए भी इंडियन रेलवे पर काफी अच्छी मूवी बनाई गई थी, और जो बचपन में ट्रेन देखने का शौक था ये यही मूवी देखकर पूरा होता था। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस रेल सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलना।